CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 पाठ संख्या 8। कवि गोस्वामी तुलसीदास। पृष्ठ संख्या 45 से 55 तक। पृष्ठ संख्या 45। कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास, जन्म सन 1532, बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में, जन्म तिथि व जन्म स्थान दोनों अनुमानित। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। निधन सन 1623 काशी में। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहहिं सुजाना, ज्यों बरषय बरबारी विचारू, हो ही कबित मुकुतामनि चारु। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहा हित होई। भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य तथा लोकगृहीत को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहां चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जनसामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहां सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। पृष्ठ संख्या 46। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है, विशेषकर रामचरितमानस। इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव विचार काव्य रूप छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है, वह
अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी व ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। पृष्ठ संख्या 47, कविता परिचय। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। रिपीट, यहां पाठ में प्रस्तुत कवितावली के दो कवित्त और एक सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। पहले छंद किसबी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम यानी मेघ के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन यानी रावण से उपमित करते हैं। तीसरे छंद धूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। पृष्ठ संख्या 48, कवितावली उत्तरकांड से। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़ वागिते बड़ी हैं आग पेट की, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहां जाई का करी, बेद हूं पुराण कही लोक हूं बिलोकित, सा करे सबै पै राम रावरे कृपा करी,
दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखि तुल सिहाहा करी। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो को, काहू की बेटिसों ब्याह न ब्याब, काहू की जाति बिगार न सो। तुलसी सरनाम गुलामु है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ। मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, लेब को एको न देब को दो। पृष्ठ संख्या 49। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। दोहा। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हऊँ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंद चले उ हनुमंत। भरत बाहु बल सील गुन, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। उहां राम लक्ष्मणी निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयउ, राम उठाई अनुज उर लायउ। सकहु न दुखित देखी मोहिकाउ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाउ। मम हित लागी तजेहु पित माता, सहेहु बिपिन हिम आतप बाता। पृष्ठ संख्या 50। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहू न सुनी मम बच बिकलाई। जौ जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेहु नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि कर बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जड़ देव जियावे मोही। जय हऊँ अवध कवन मुह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बर अपजस सह तेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। सौंपेसी मोहि तुमही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह दे हऊँ तेहि जाई, उठिकिन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोरठा। प्रभु प्रलाप सुनि कानि बिकल, भय बानर निकर। आई गयउ हनुमान जिमी, करुणा मह वीर रस। हरषि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि ब्राता। कपिपुन बैद तहां पहुँचावा, जेहि विधि तबही ताहि लई आवा। यह वृतांत दसानन सुनेउ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेउ। यह वृतांत दसानन सुनेउ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ। व्याकुल कुंभ करन पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निश्चर देखी अकैसा, मानहु काल देह धरि बैसा। कुंभ करन बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निसिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रन धीरा। दोहा। सुनि दसकंधर बचन तब, कुंभ करन बिलखान। जगदम्बा हरि आन अब, सठ चाहत कल्याण। पृष्ठ संख्या 51। अभ्यास।
पाठ के साथ। प्रश्न एक, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। प्रश्न संख्या दो, पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति यानी राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्कसंगत उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या तीन, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहब काहू की जाति बिगार न सो। इस सवैया में काहू के बेटा सो बेटी ना ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? प्रश्न संख्या चार, धूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है, इससे आप कहां तक सहमत हैं? प्रश्न संख्या पांच, व्याख्या करें। का मम हित लागि तजेहु पितु माता सहेहु बिपिन हिम आतप बाता जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु पितु बचन मन त्यों नहीं ओहु। ख जथा पंख बिनु खग अति दीना मनि बिनु फनि करिबर कर हीना अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही जौ जड़ दैव जियावय मोही। ग मांगी के खैबो मसीत को सोईबो लैबो को एक उन दैव को दो। घ ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। प्रश्न छह, भ्रातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है, क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। प्रश्न सात, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? प्रश्न आठ, जय हूं अवध कवन मुह लाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई बरु अपजस सह त्यों जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? पृष्ठ संख्या 52 पाठ के आसपास। प्रश्न एक, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज तथा निराला की सरोज स्मृति में पुत्री सरोज के मृत्यु शोक पर पिता के करुण उद्गार निकले हैं, उनसे भ्रातृ शोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें। प्रश्न दो, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों खासकर बेटियों को भी बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें। प्रश्न तीन, तुलसी के युग की बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं? आज की बेकारी की समस्या के कारणों के साथ उसे मिलाकर कक्षा में परिचर्चा करें। प्रश्न चार, राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के, इस प्रकार वे परस्पर सहोदर यानी एक ही मां के पेट से जन्मे नहीं थे, फिर राम ने उन्हें लक्ष्य कर ऐसा क्यों कहा, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, इस पर विचार करें। प्रश्न पांच, यहां कवि तुलसी के दोहा चौपाई सोरठा कवित सवैया ये पांच छंद प्रयुक्त हैं। इसी प्रकार तुलसी साहित्य में और छंद तथा काव्य रूप आए हैं, ऐसे छंदों व काव्य रूपों की सूची बनाएं। पृष्ठ संख्या 53 शब्द छवि, कसब या किसबी अर्थ धंधा, चेटकी अर्थ बाजीगर, तव अर्थ तुम्हारा आपका, राखी अर्थ रखकर, जय हूं
अर्थ जाऊंगा, अस अर्थ इस तरह, आयसु अर्थ आज्ञा, मुह अर्थ में, कपि अर्थ बंदर, यहां हनुमान के लिए प्रयुक्त, सराहत अर्थ बड़ाई कर रहे हैं, मनुज अनुसारी अर्थ मानवोचित, काऊ अर्थ किसी प्रकार, लागी अर्थ के लिए, तजहु अर्थ त्यागते हो, बिपिन अर्थ जंगल, आतप अर्थ धूप, बाता अर्थ हवा तूफान, जनतेऊं अर्थ यदि जानता, मनतेऊं अर्थ तो मानता, बित अर्थ धन, नारी अर्थ स्त्री पत्नी, यहां पर पत्नी के लिए, बारह ही बारह अर्थ बार बार ही, जिह अर्थ मन में, बिचारी अर्थ विचार कर, सहोदर अर्थ एक ही मां की कोख से जन्मे, जथा अर्थ जैसे, दीना अर्थ दरिद्र, ताता अर्थ भाई के लिए संबोधन, मणि अर्थ नागमणि, फनी अर्थ सांप, यहां मणि सर्प के अर्थ में, करिवर अर्थ हाथी, कर अर्थ सूण, मम अर्थ मेरा, बिनु तो ही अर्थ तुम्हारे बिना, बरु अर्थ चाहे, अपजस अर्थ अपयश कलंक, सहतेऊं अर्थ सहना पड़ेगा, क्षति अर्थ क्षति हानि, निठुर अर्थ निष्ठुर हृदयहीन, तासु अर्थ उसके, मोहि अर्थ मुझे, पानी अर्थ हाथ, उतरु काह देहूं अर्थ क्या उत्तर दूंगा, सोच विमोचन अर्थ शोक दूर करने वाला, स्रवत अर्थ चूता है, प्रलाप अर्थ तर्कहीन वचन प्रवाह, विकता अर्थ प्रसन्न होना, निकर अर्थ समूह, हरषि अर्थ प्रसन्न होकर, भेंटेउ अर्थ भेंट की मिले, कृतज्ञ सुजाना अर्थ अच्छा ज्ञानी समझदार। पृष्ठ संख्या 54। कीन्ही अर्थ किया, हर्षाई अर्थ हर्षित, हृदय अर्थ हृदय में, ब्राता अर्थ समूह झुंड, लई आया अर्थ ले आए, सिर धुनेऊ अर्थ सिर धुनने लगा, पही अर्थ के पास, निसिचर अर्थ रात में चलने वाला, हरि आनी अर्थ हरण कर लाए, जोधा अर्थ योद्धा, संघारे अर्थ मार डाले, दुर्मुख अर्थ कड़वी जबान वाला, दसकंधर अर्थ दशानन रावण, महोदर अर्थ बड़े पेट वाला, अपर अर्थ दूसरा, भट अर्थ योद्धा, सठ अर्थ दुष्ट, रंधीरा अर्थ युद्ध में अविचल रहने वाला। पृष्ठ संख्या 55। इन्हें भी जाने, चौपाई। चौपाई सम्मात्रिक छंद है जिसके दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है, यह तथ्य लोक प्रसिद्ध है। दोहा, दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके सम चरणों यानी दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा विषम चरणों यानी पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इनके साथ अंत लघु वर्ण होता है। सोरठा, दोहे को उलट देने से सोरठा बन जाता है। इसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा विषम चरणों पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, परंतु दोहे के विपरीत इसके सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती, विषम चरणों पहले और तीसरे में तुक होती है। कवित्त
यह मात्रिक छंद है, इसे मनहरण भी कहते हैं। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। सवैया, चूंकि सवैया वार्णिक छंद है, इसलिए सवैया छंद के कई भेद हैं। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मत्तगयंद सवैया है, इसे मालती सवैया भी कहते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 23-23 वर्ण होते हैं, जो 7 भगण, धन 2 गुरु, 33 के क्रम के होते हैं। यहां प्रस्तुत तुलसी का सवैया कई भेदों को मिलाकर बनता है। इसी के साथ आरोह भाग 2 का पाठ 8 यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।